second semester standard 8 english book so let's start our lesson number 1 in standard 8 semesters 2 page number 1 semester 2 lesson number 1 name is i will be that Okay, so let's read the chapter and I will tell you the meaning and I will also read you and ask you what is the meaning of this chapter. Okay? So let's start from page number one. Lesson number one. I will be that. Okay. Activity one recite after your teacher. Yani ki teacher jo, jo teacher. Uh, मैं आपको समझाऊंगी कि ये लेसन क्या है यानी इस लेसन का मीनिंग क्या है ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर आई टोल्ड धेम वेन आई ग्रो अप आई एम नॉट गोइंग टू बी अ साइंटिस्ट और someone who हु the द न्यूज ऑन No, I नो आई be टू बी फ्री आई एम गोइंग टू बी अ ट्री you can't know, you can't be बी या, मैं उनको कहता हूँ कि मैं जब ग्रो होता है उसका मतलब ये नहीं कि मैं साइंटिस्ट हूँ और कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास फ्री टाइम होता है तो कभी कभी वो बुक पढ़ते हैं कभी कभी वो टी वी देखते हैं लेकिन मुझे तो एकदम फ्री यानी कि एकदम मुझे रिलैक्स होना है और मैं टी पे जाके एकदम रिलैक्स होगा ओके आई टोल्ड दम वेन आई ग्रो आई एम नॉट गोइंग टू बी एन एयरलाइन पायलट अ डांसर अ लॉयर और अ डॉक्टर नो यूज वेल्स विल स्विम इन मी आई एम गोइंग टू बी द ओशन दे सेट यू कान बी धैट नो यू कान बी दैट ओके मैं उन्हें कहता हूँ कि ये ना, मैं ग्रो होता हूँ यानी उगता हूँ ठीक है बढ़ता जाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं पायलट बन गया हूँ एयरप्लेन का पायलट बन गया हूँ, डांसर बन गया लॉयर बन गया डॉक्टर बन गया हूँ। कुछ जो वेल्स होती है सारी वेल्स जो है वो स्विम यानी पूल में जो आ, सी होती है या फिर लेक होता है इस सब में तैरती है तो मैं ऑप्शन में जाने के उन्हें देखना चाहता हूँ ओके नेक्स्ट आई टोल्ड देम आई एम नॉट गोइंग टू बी अ डीजे a computer program or musician or a beautician no streams will flow through me i will be the home of eagles i will be the full of valleys and mountains i am going to be a range of mountains they said you can't be that no you can't be that मैं उन्हें कहता हूँ कि है ना मैं जाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं म्यूजिशियन ब्यूटिशियन प्रोग्रामर बन जाऊँगा कि, कि राइट ईगल जो है वो उनका घर होता है उसमें रहता है लेकिन मैं फाउंटेन्स पे माउंटेन्स पे जाना चाहता हूँ क्योंकि अभी आप आपको पिक्चर भी दी है किस तरीके से इसे हम फाउंटेन बोलते हैं मतलब ये जो ऊपर का ऐसा स्कल है ना उसे हम माउंटेन बोलेंगे बाकी जो इधर के ऐसे दिख रहे हैं इसे हम माउंटेन बोले गए उसे फाउंटेन बोले गए ओके नेक्स्ट आई आस्टेम डू यू थिंक आई एम जस्ट अ चाइल्ड सेन ऑलवेज बिकम एट लीस्ट वन ऑफ द थिंग वी वॉन्ट हेम टू बी ओके सो गोइंग टू द नेक्स्ट पेज ओके बी चूज एंड टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन यानि की इसमें जो करेक्ट है उसमें टिक करना होगा ठीक है तो इसमें कुछ आंसर्स ऐसे जिन्हें आप में खुद ही सॉल्व करना है ओके सो नंबर वन इज व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू बी इन द फर्स्ट टेंजर यानी फर्स्ट टें मतलब कि ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट वाला जो है स्टैंडर्ड वो ओके सेकंड स्टैंडर्ड मतलब ये थर्ड स्टैंडर मतलब ये ओके यानी कि जो चाइल्ड है ना वो आ, फर्स्ट में फर्स्ट जो है मैंने आपको पता उसका मीनिंग तो उसमें वो क्या करना चाह रहा है उस ठीक है वो क्या बनना चाह रहा है उसमें क्या वांट करना चाह रहा है कि वो क्या वांटेड है उसमें ओके सो तो इसका आंसर आएगा थ्री ए क्योंकि ओशन का तो वो सेकेंड टेंजा में था साइंटिस्ट का तो था ही नहीं ओके एक तरीके से हम बोल सकते नेक्स्ट वर्ड शुड स्विम इन द चाइल्ड ओके सो so, इसका आंसर जो है मैंने आपको इसका तो बता दिया लेकिन अगर आपको इसका इस सेंटेंस का मतलब तो पता चले है तो इसका भी तो आपको आना चाहिए क्योंकि मैंने पूरी पोएम की स्टोरी बताई इसलिए आपको ये जो क्वेश्चन है वो खुद सॉल्व करना होगा ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट द हैज वेलेज एन फाउंटेन्स मैंने फाउंटेन्स और माउंटेन्स का मतलब इसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी पता है इसका आंसर आएगा माउंटेन द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी अ Mountain range रेंज the third stanza. Okay. अब ये जो last two questions आए ना students, उस उसको आपको खुद ही solve करना होगा और राइट ठीक है जैसे कि ये क्वेश्चन का मीनिंग ही ऐसा क्योंकि मैं एक जैसे लिखवाऊंगी तो आपका कुछ अलग का आंसर हो सकता है बाकी सबका तो एक ही आंसर आएगा लेकिन ये दो क्वेश्चन का जो है अलग आंसर आएगा इसलिए जैसे कि इसका जो है टॉक टू यर ग्रूप एंड टेलधाम वॉट डू यू वॉन्ट टू बिकम वैन यू ग्रो अप ठीक है तो इसका आपको आंसर खुद ही लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन का मतलब ये कि आपको कोई भी अपना ग्रुप होगा ना आपका उसमें आपको उससे बात करना है डिस्कस करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं आप, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं so, सो मैं कुछ भी लिखूँगी लेकिन आप अगर आपका कुछ और होगा तो मिस्टेक हो सकती है इसलिए सेकेंड में क्या है कि वुड यू लाइक टू बिकम वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स ब कलेक्ट देअर आइडियाज अब इसमें दिया द मून दन द स्काई इसमें से आप क्या करना चाहते हैं उनके आइडियाज कलेक्ट कीजिए तो आपको इसमें खुद अपना कि अगर मैं सन लिखवाऊंगी स्टार लिखवाऊंगी स्काई लिखवाऊंगी मून लिखवाऊंगी आपका कुछ और भी हो सकता है इसकी वजह से एक्टिविटी नंबर टू फ्रॉम पेज नंबर टू ओके okay. सो so, ये एक्टिविटी में है ना हमें एक स्टोरी जैसे हमें को दिया गया है ओके सो वही हम इसमें लर्न करने वाले हैं राइट अ की टू हेवन अ प्लेस सीन वन इसमें क्या होता है किंग्स स्कॉट तेनाली रामन कर्टियर एंड कर्टियर टू आर वेटिंग फॉर द केक देयर इज इज साउंड फॉर ड्रम एंड ड्रम्स द किंग बॉक्स इन एंड इज एंड ऑल द कंट्रियर एंड स्टैंड अप सो so, इसमें क्या एक तेनाली रामन जो होता है ना उसके बारे में हमें बताया है और एक किंग के, के बारे में स्टोरी बताई गई है सो so, हम वो लर्न करते हैं राइट इस इस एक्टिविटी में भी मैं आपको मतलब और मीनिंग दोनों समझाऊंगी और पढ़ के भी समझाऊंगी ओके सो तेनाली रामन एंड कर्टीय जो होता है वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग योर मेजेस्टी यानी कि एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं ओके okay? द और जो राजा यानी कि इन जो है वो बोलता है गुड मॉर्निंग वे आर आर मिनिस्टर टुडे मिनिस्टर जो होते हैं यानी मंत्री अलग अलग तरह के वो कहा है आज के दिन आई विल डिस्कस द न्यू न्यू रोड प्रोजेक्ट विद डैम मुझे उनके उनके साथ आ, आ, नवे नवे रोड बनाने का प्लान प्रोजेक्ट उनके साथ शेयर करना है डिस्कस करना है ठीक है कि करना चाहिए कि नहीं कल्टियर टूर योर मेजिस्ट्री अ ग्रेट साधु इज़ एन इन योर किंगडम दिस देश आज के दिन में आपकी जो मजेस्टी है ना वो अभी एक बहुत ही साधु है यानी साधु मतलब तो आपको पता ही होगा तो आपके किंगडम में आपके राज्य में एक बहुत बड़ी साधु है ठीक है द मिनिस्टर्स आर एट दैट साधु कैंप्स और मिनिस्टर जो है वो कहाँ पर है साधु कैंप में ओके okay. द किंग सैड अ साधु अ ग्रेट साधु हु इज द साधु आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम डू यू नो समथिंग रामन अब किंग जो है वो रामन यानी तेनाली रामन जो है ना उससे क्वेश्चन करते हैं साधु कौन बहन साधु कौन सा साधु मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तुम्हें पता है क्या रामन यानि तेनालीरामन अब तेनालीरामन बोलता है कि मेजस्टली जो है ना आई हियर्ड अबाउट दिस साधु मुझे पता है इस साधु के बारे में ही कम्स फ्रॉम दी फ्रॉम द हिमालय हिमालया फिर दो अच्छे से छापा नहीं गया द अच्छे से लिख देंगे फ्रॉम द हिमालय हिमालयाज ही कैन प्रोड्यूस कॉइंस होली एज एंड फ्रूट्स फ्रॉम द एयर वो है ना हिमालय पे आती है और हिमालय पे आता है और वो क्या क्या कलेक्ट करता है प्रोड्यूस करता है कॉइन्स और बहुत सारे रुपये कलेक्ट और फ्रूट्स और एयर भी अपने साथ कलेक्ट करता है बताए देयर इज़ अ लॉन्ग एंड देयर इज अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ दिस टेंट एवरी डे दे Officer their officer him gold coins clothes, animals, grain, vegetables and dry fruits. Curtier too said he can cure any illness by puja, but you need to pay him a big sum for that. The king said, Interesting. I want to know more about this sadhu, but you can go now. I will discuss about this sadhu with Raman only. Okay? Next, the king said, "We come to page number three. Alright? Okay. So page number three. So the king said, Raman, what do you think? Is he a real sadhu? Good. Sadhus never. Raman said. स योर मैजेस्टी आई टू फील समथिंग इज रॉन्ग ओके रामन सेज येस योर मैजेस्टी इज टू फील समथिंग इज रॉन्ग द किंग सेट रामन गो टू हिस्स कैम्प एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दिस साधु रामन सेज सर्टनली सर यानी कि सचमुच सर सो स्टूडेंट यहाँ पे जो है आपका सीन वन जो था यानी कि पार्ट वन जो स्टोरी का था वो कंप्लीट होता है कि सीन टू जो है ना स्टोरी का वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम चलाएंगे सो so, आपका होमवर्क ये है कि आपको ये पेज नंबर के जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है ये ये वाले आपको वो अपने सी डब्ल्यू यानी कि डॉट में लिखना है और ये जो पोएम दी आई विल बी ढेट उसका वो लिखता है पूरा लिख रहा है आपको इट गुड हैंड राइटिंग और मैंने आपके स्टूडेंट आपको याद होगा कि मैंने ये टू क्वेश्चन भी बोले थे तो ये क्वेश्चन ये, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप इसमें भी अपनी टेक्स्ट बुक यानी अपनी किताब में भी लिखेंगे और अपनी किताब में भी लिखेंगे और सी डब्ल्यू यानी कि नोटबुक में भी लिखेंगे और वर्कबुक में आपको अभी जितना भी आता हो कंप्लीट करना आप वो ज़रूर कंप्लीट करेंगे सो आई होप यू ऑल आर सेफ एंड होप एंड यू होप ऑल आर सेफ इन योर हाउस मुझे आशा करती हूँ मैं कि आप अपने घर पे एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी जितने भी होमवर्क है वो कंप्लीट करते होंगे तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीन टू हम देखेंगे और उसका मतलब भी समझेंगे